नमस्कारम एवरीवन, दिस इज़ गौरव जोशी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल शिवांगा द वे ऑफ ग्रेस। सो थोड़े समय पहले हम लोग केदारनाथ गए थे, जैसे कि दो पिछली वीडियोस में आप देख चुके होंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर नोटिस करी, और ट्रैवल के दौरान आपको क्या क्या करना चाहिए, हमारा कितना खर्चा हुआ, हर एक चीज़ बताऊँगा, ताकि आप लोग एक माइंड सेट के साथ और साथ साथ फाइनेंशियल भी आप प्रिपेयर होकर जाएं। तभी जो हमारे साथ हुआ वो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ हो। सो हम लोग तीन लोग गए थे। मैं तो 2-2.5 साल से योगा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मतलब शांभवी महामुद्रा कर रहा हूँ, और लेटेस्ट मैंने अभी अंगमर्दना सीखा है, वो हठ योगा के लिए बॉडी को प्रिपेयर करता है अंगमर्दना। 2.5 साल से शांभवी महामुद्रा कर रहे हैं और 1.5 महीने से अंगमर्दना कर रहा हूँ। तो ये मेरा स्टेटस था बॉडी का, और मेंटली मैं काफ़ी प्रिपेयर था वैसे भी। और मेरे साथ जो दो लड़के थे उनमें से एक किसान फैमिली से आता है और एक जो है काफ़ी टाइम से स्पोर्ट्स में एक्टिव भी नहीं है, तो एक ऐसा था। तो जब हम बस में बैठे तो जो तीसरा लड़का था उसके कमर में दर्द हो गया। तो जब जिस दिन ट्रैक करने की बारी आई तो ट्रैक करते वक्त थोड़ी देर में ही, मतलब ही वॉज़ लाइक आई कैन नॉट ट्रैक नाउ, हम उसमें जाना पसंद करेंगे, म्यूल में या फिर खच्चर में, जो भी बोलना चाहते हो, घोड़ा खच्चर जो भी बोलना चाहते हो। तो हमने म्यूल कर लिया, और दो म्यूल जो हमने करे थे इट कॉस्ट अराउंड 3300। पहले उसका छोड़ो, सबसे पहले जो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी वो हुई थी एक्चुअली, हम लोग देहरादून से बैठे थे। देहरादून से बसेस जो चलती है, एक विश्वनाथ सेवा वाली बस चलती है, हमने वो बस ली थी, वो परेड ग्राउंड से चलती है। आप अगर कहीं और से आते हो तो आप ऋषिकेश से भी वो बस पकड़ सकते हो, ऋषिकेश से ही आगे फिर अगला स्टेशन टिहरी शिवपुरी से होकर फिर आगे तीन धारा, ये वाला रूट पड़ता है तीन धारा के बाद आप लोग आएंगे रुद्रप्रयाग, अगस्त्य मुनि, फिर आओगे गुप्त काशी। गुप्त काशी में आप लोगों को उतार दिया जाएगा बस के द्वारा। गुप्त काशी के बाद आप लोगों को अगला जो स्टॉप है वो है सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग के बाद जो अगला स्टॉप है वो है गौरीकुंड। सोनप्रयाग गुप्त काशी तक जो बस का टिकट था हमने रेड बस से बुक करवाया था, इट वाज अराउंड 550 पर हेड, और लगभग जो हमारा गुप्त काशी तक का सफ़र था वो 8 से 9 घंटे तक का था। 7 बजे हम बैठे थे, 4 बजे करीबन हम वहाँ पहुँच गए थे। उसके बाद हमें गुप्त काशी में, हमें जिसको मैक्स कहते हो या फिर टाटा सुमो कहते हो या फिर बुलेरो कहोगे, इनमें से कोई एक में आपको बिठाया जाएगा। 100 रुपये का टिकट है सोनप्रयाग तक, और ये लगभग आपको 1 घंटे में पहुँचाएगा, और लगभग 1 घंटे में आपको पहुँचा देगा, 1 से 1.25 घंटे के बीच में आपको वहाँ पहुँचा देगा। उसके बाद आप सोनप्रयाग में होटल ले लेना, क्योंकि गौरीकुंड में महंगा पड़ेगा, इसीलिए आप सोनप्रयाग में होटल लीजिएगा। सोनप्रयाग में होटल अराउंड 500 रुपीज़ पर बेड के हिसाब से आपको मिल जाएगा। सोनप्रयाग तक हर एक चीज़ सस्ती है, और गुप्त काशी तक मौसम वैसा ही रहेगा जैसे देहरादून में, लेकिन गुप्त काशी के बाद जैसे आप सोनप्रयाग पहुँचोगे, सोनप्रयाग में ठंड पड़ने लगेगी। अगर आप इन दिनों जाते हैं, खैर इन दिनों तो दीपावली के बाद बंद हो जाते हैं, कपाट बंद हो जाते हैं, तो सोनप्रयाग में जैसे आप पहुंचोगे सोनप्रयाग में ठंड पड़ जाएगी, और अच्छी खासी ठंड पड़ेगी, और आप ठंडे पानी से हाथ भी नहीं धो पाओगे, इतना ठंडा पानी, ऐसा लगता है कि बर्फ़ आपके हाथों में डाली जा रही हो। इसके बाद सोनप्रयाग से जो हम लोग शाम को सोनप्रयाग में रुके, रात को मतलब सोए, वहीं सुबह 4 बजे हमने सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का रास्ता तय किया, किसमें, टाटा सुमो यानी 4-व्हीलर में, और ये आधे घंटे के अंदर वहाँ पहुँच गए थे। 4:30 बजे हम गुप्त गौरीकुंड पहुँचे। गौरीकुंड में सबसे पहले, गौरीकुंड में लोग नहाते हैं, जिनको नहाना है वो नहाते हैं, हम तो नहीं नहाए क्योंकि भैया ठंडी इतनी थी, इतना जिगरा नहीं था वहाँ नहाने का, और इतना समय भी नहीं था। गौरीकुंड में माता गौरी पार्वती का टेम्पल है, सबसे पहले हमने वो विज़िट किया। उसके बाद उसके अपोजिट एक शिव टेम्पल भी है, छोटा सा है, वहाँ पर एक
पत्थर है जिसको कहते हैं भगवान शिव, शिला के रूप में वहाँ पर है, और इट इज़ रिवरब्रेटिंग, मतलब वहाँ पर कुछ एनर्जीज हैं क्योंकि हम लोग वहाँ बैठे थे। और शिव मंदिर के एडजेसेंट एक गली सी जा रही है, वहाँ पर वो थोड़ी सी आगे जाके गौरीकुंड है। फिर जब आप गौरीकुंड में विज़िट करोगे, पहले वो टेंपल ज़रूर विज़िट करिएगा माता पार्वती वाला, उसके बाद आप वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। जर्नी स्टार्ट जब हमने करी तो 4:30 बजे के अराउंड हमने जर्नी स्टार्ट करी थी, और थोड़ी देर के बाद जो अगर आपको खच्चर लेना है, म्यूल लेना है, तो इट कॉस्ट अराउंड 2000 पर, लेकिन हमने दो करे थे। और थोड़ा मोल भाव अगर आप लोगों को करना आता है तो ये आपको, हमें दो मिले थे 3300 के हमको मिल गए थे, और हमने 3300 के दो म्यूल किए। उसके बाद जब ट्रैकिंग होती है, ट्रैकिंग स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहली बात ये है कि ये जो लोग थोड़े से एथलेटिक हैं या फिर जिनके अंदर जिगरा बहुत है, मतलब जिगर यानी उनकी डिटर्मिनेशन बहुत है, वही लोग ये ट्रैक कर पाएंगे। और जैसा कि मैं अपनी बात बताता हूँ, जो मेरे साथ एक को तो म्यूल में चढ़ना पड़ा था, और एक जो किसान फैमिली से आता है वो चल रहा था मेरे साथ, बट मैंने उसको काफ़ी पीछे छोड़ दिया था। थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद, वो मेरे दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं, जहाँ तक मेरे को लगता है कि मेरे जो प्रैक्टिसेज हैं, योगिक प्रैक्टिसेज हैं, उनकी वजह से मेरी बॉडी कहीं ना कहीं तैयार हो गई थी, और उसी की वजह से मैं उन लोगों से काफ़ी आगे निकल चुका था। और जो लोग खच्चर पे चलते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को ओवरटेक किया जो पहले से मेरे से आगे निकल चुके थे, लेकिन उनको मैंने ओवरटेक किया। और जिससे हमने खच्चर किया था, वो कह रहा था कि मैं 4:30 घंटे में तुम लोगों को ऊपर पहुंचा दूंगा खच्चर के ऊपर बिठा के, बट मैं उन लोगों से पहले ही ऊपर पहुंच चुका था। जो खच्चर को भी मतलब मैंने पीछे छोड़ दिया था, और हो भी सकता है वो अलग अपनी अपनी बॉडीज़ पर डिपेंड करता है। मेरी बॉडी पहले से, मैं थोड़ा एथलेटिक टाइप का हूँ, खेल कूद वाला हूँ, तो मेरे को कहीं ना कहीं उस चीज़ का फ़ायदा मिला। उसके बाद जब हम ऊपर पहुँचे, सबसे बढ़िया बात यह है कि ट्रैक करते हुए बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बशर्ते आप थोड़े से एथलेटिक टाइप के हो। बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं इसके साथ साथ वो वीडियोस भी अपलोड करूँगा जो मैंने उस दौरान बनाए थे, जिस समय मैं ट्रैकिंग कर रहा था। उस समय आप मेरे चेहरे पर जो मुस्कान है उसको ज़रूर देखना, आपको पता चल जाएगा कि ट्रैक करते हुए मुझे कितना मज़ा आ रहा होगा। उसके बाद लगभग 5:30 घंटे में हम लोग बेस कैंप में पहुंच गए थे। बेस कैंप से वो लिखा तो रहता है कि 19 से 20 किलोमीटर का ट्रैक है, बट इट इज़ अराउंड 23 किलोमीटर, 23 किलोमीटर का ट्रैक जो है। जब आप पहुंच जाओगे बेस कैंप में, बेस कैंप से केदारनाथ का टेंपल है 1.5 किलोमीटर दूर, और वहाँ से फिर 1.5 किलोमीटर जब आप क्रॉस कर लोगे, उसके बाद केदारनाथ का मंदिर आपको दिख जाएगा, और वहाँ की अलग ही वाइब्स है। तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचे थे, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, पहुँच कर सबसे पहले होटल ले लेना है, क्योंकि बाद में होटल मिलते रहिए। और वहाँ जो होटल है, हमको जो मिला था सबसे सस्ता होटल मिला था, देखो मैं हूँ गढ़वाली, तो मैं वहाँ लगभग सारे लोग गढ़वाली होंगे, तो गढ़वाली में मैं जाते ही सबसे बात कर ले रहा था, तो उसका भी मेरे को थोड़ा सा फ़ायदा मिला। और 3000 का हमें होटल मिला, 3 लोगों के लिए रूम मिला, मतलब होटल रूम मिला। उसके बाद हम लोग वहाँ रुके, जिस समय हम पहुँचे थे ऊपर 12:30 हो चुके थे होटल वगैरह लेने के बाद, फ्रेश जब हम हो गए उसके बाद 12:30 बज गए थे, लेकिन वहाँ बहुत भीड़ हो गई थी। तो उस समय हमने डिसाइड किया कि शाम को हम लोग विजिट नहीं कर, गर्भगृह में नहीं जाएंगे, दर्शन हो नहीं पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम सुबह 3 बजे उठकर दर्शन करेंगे। तो केदारनाथ अगर आपको जाना है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप केदारनाथ जाते क्यों हैं, उसके बारे में एक अगली वीडियो डालूंगा। हाँ, इसी वीडियो में बता देता हूँ कि केदारनाथ किस लिए बनाया गया था, ताकि जब कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई थी, तो पांडवों ने बहुत ज़्यादा कौरवों को भी मार दिया था और बहुत सारे और लोगों को मारा था। तो जो कर्म बंधन, जब भी अगर आप लोगों ने मेरी कर्मा वाली सीरीज देखी होगी, तो मैंने उसमें बताया था कि कोई भी एक्शन आप परफॉर्म करते हो तो दैट क्रिएट्स अ कर्मा। तो अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आपको अपने सारे कर्मास को बर्न करना पड़ेगा। तो पांडवों ने ये जो टेंपल्स हैं वो स्थापित इसलिए किए थे
ताकि कुछ वो कुछ प्रोसेसेस के थ्रू जाएं और जो उनके कार्मिक बॉन्डेजेस हैं वो सारे के सारे ब्रेक हो जाए, या फिर उनके जो कर्माज हैं वो सारे बर्न हो जाएं और वो मुक्ति को पा सकें, मुक्ति को पा सकें, स्वर्ग नहीं मुक्ति। तो वो लोग जो है केदारनाथ इसलिए स्थापित किया गया था ताकि आपके कुछ कर्माज जो हैं वो बर्न हो सके। तो केदारनाथ को पहले बता रहा हूँ, इट इज़ नॉट अ पिकनिक स्पॉट, आपको वहाँ जाके वहाँ की एनर्जीज को एब्जॉर्ब करना है। और उसके लिए सदगुरु बताते हैं कि केदारनाथ जगह पर शिव नाम का जो साउंड है उसको अटर करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो हम लोगों ने वहाँ पर ओम नमः शिवाय का चैंट किया था 20 से 25 मिनट तक, और हमने कुछ और भी प्रैक्टिस की थी जो मेरे को आती है, शांभवी महामुद्रा वगैरह। और हमने सबसे पहले हमने वहाँ पर जाते ही योग योग योगेश्वराय वाली चैंट करी थी, उसके बाद हमने ओम नमः शिवाय का चैंट किया था। ठंड बहुत हो रही थी तो हम लोग ज़्यादा देर बैठ नहीं पाए, और बहुत सारे भीड़ भड़ाका भी रहता है तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बट अगर आप लोगों को करना है तो आप कर सकते हो। और जिस समय ओम नमः शिवाय का चैंट कर रहे थे तो हमारे साथ बहुत दो तीन लोगों ने और पार्टिसिपेट किया था, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय चैंट के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जाकर देखिए किस तरीके से होती है। ओम नमः शिवाय नहीं होता, ओम नमः शिवाय होता है, ज़रूर जाके देखिएगा। इसके बाद हमने सुबह फिर शाम की हमने वहाँ आरती देखी, 6:30 करीबन आरती हो गई थी, 6:30 पर आरती स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद हम लोग रात खाना पीना खाया, हाँ देखो खाना बहुत महंगा है वहाँ पर, और इसीलिए आपको फाइनेंशियली प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। जिस समय ज़्यादा ठंड है उस समय तो बाहर रुकने का मतलब नहीं है, अगर आप गर्मियों में जाओगे तो गर्मियों में फ़ायदा है कि आप बाहर अपना टेंट ले जाकर भी रुक सकते हो। साथ ही साथ वहाँ पर कैश की बड़ी दिक्कत आती है, तो ऊपर नेटवर्क भी नहीं आते, तो आप वहाँ पर अपने साथ भरपूर कैश लेकर जाइएगा ताकि आपको कल को कोई परेशानी ना आए। उसके बाद हम लोग सुबह 2 बजे उठे, उसके बाद हमने तैयारी करी और हम 3 बजे लाइन में लग गए थे दर्शन के लिए। और जो मोमेंट की का इंतज़ार था वो मोमेंट आखिरकार आया, और हम टेम्पल के अंदर विजिट करा, जो गर्भगृह है जहाँ पर शिवलिंग नहीं है एक्चुअली, वो एक पत्थर है और वो जैसे बैल होता है उसके जो कुबड़ होता है या हम्प होता है उसके शेप का है, और इनसेनली वाइब्रेट कर रहा है वहाँ पर, वो रिवर्ब्रेशन ऐसी है वहाँ पर कि अगर आप वहाँ 10-15 मिनट आँख बंद करके बैठ गए ना आप गायब हो जाओगे, मतलब यू विल नॉट बी प्रेजेंट, इन द सेंस आपके जो मेंटल थॉट्स वगैरह सब ख़त्म हो जाएंगे। इट वॉज मेड फॉर दीज पर्पजेज, मतलब ये इसीलिए बनाया गया था ताकि आप वहाँ जाओ और अब एक शांति या फिर अपने कर्माज को बर्न करो एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू। इसीलिए बहुत सारे लोग सदगुरु के साथ जाना पसंद करते हैं जितने भी तीर्थ स्थल हैं, क्योंकि उनको पता है किस किस प्रोसेस के थ्रू लोगों को लेकर जाना है, बट उसमें कॉस्ट बहुत लगती है, बट जिनको जाना है वो लोग जाते हैं। और वहाँ पर हो सके तो आप किसी भी तरीके से अंदर किसी भी तरीके से 10-15 मिनट ज़रूर रुके, बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद हम लोग केदारनाथ के बाहर दर्शन करने के बाद वहाँ मिले लड्डू प्रसाद के रूप में, 3 या 4 बार बेसन के लड्डू खाए, आए हाय हाय, सुबह 4:30 बहुत भूख लग रही थी क्योंकि रात को ज़्यादा खाना नहीं खाया था, 3-4 बार प्रसाद लिया, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही ज़बरदस्त लड्डू थे वो। उसके बाद केदारनाथ का टेंपल विज़िट करने के बाद कहते हैं कि भैरव बाबा का टेंपल भी विज़िट करना चाहिए, वो केदारनाथ मंदिर के राइट हैंड साइड की तरफ जाओगे ऊपर 1.5-2 किलोमीटर करीबन है भैरव का टेंपल, आप वहाँ भी विज़िट कर सकते हो। हम लोग वहाँ गए नहीं। उसके बाद 4:30 हमारे दर्शन पूरे हो गए थे, सब कुछ पूरा हो गया था, हम लोग दोबारा सो गए। 8:30 हमने अपनी दोबारा से जर्नी स्टार्ट करी, वो वाली जो वीडियोज़ हैं मैं ज़रूर शेयर करूँगा। फिर जब हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो रास्ते में ओले वगैरह भी पड़ने लगे। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, वहाँ पर खाने पीने की जो चीज़ें हैं, चाय 20 रुपये की है, हर चीज़ आपको महंगी मिलेगी, महंगी 50 रुपये की है, पकौड़े की प्लेट लोगे वो भी 50 रुपये की है, जलेबी लोगे वो भी 50 रुपये की है। और वहाँ पर जगह जगह पर नींबू पानी और खीरे अवेलेबल होते हैं, आप अगर डिहाइड्रेशन महसूस कर रहे हो तो वो ले सकते हो। और मैं तो ये कहूँगा 1 किलो सेब ले जाओ अपने साथ, जहाँ पर डिहाइड्रेशन महसूस हो वहाँ पर सेब खा लो, और हो सके तो ठंडा पानी बहुत ठंडा हो जाता है वहाँ पर, तो आप अपने साथ एक थर्मस ज़रूर रखिएगा जिसमें गर्म पानी हो, गर्म पानी का थर्मस लेके जाना अपने साथ चढ़ते वक्त भी और उतरते वक्त भी, ताकि आपको प्यास ना लगे, प्यास मतलब अगर प्यास लगे तो आप
पानी पी सको, क्योंकि ठंडा पानी हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होता है, ऐसा लगता है कि आप बर्फ़ पी रहे हो। फिर जब हम वहाँ से नीचे उतर गए, नीचे उतरते वक्त ओले पड़ने लगे, वहाँ पर बारिश नहीं होती, वहाँ वहाँ ओले गिरते हैं, ठीक है, तो ओले पड़े वहाँ पर, लेकिन हम रुके नहीं क्योंकि हमें किसी ना किसी तरीके से जल्दी नीचे पहुँचना था। ओले गिरने के बाद हमने वेट नहीं किया, चलते रहे चलते रहे चलते रहे, और जब नीचे उतरते हैं ना तो उस समय पंजों पे बहुत ज़ोर पड़ता है, बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ता है, तो अगर किसी के नाक मतलब पैर के नाखून वगैरह सब काट के रखना, और शूज़ बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए, ट्रैकिंग शूज़ हो तो बहुत बढ़िया बात है, ट्रैकिंग शूज़ आप अपने साथ लेकर जाइएगा, बहुत फ़ायदे में रहोगे, जितना ज़्यादा अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा प्रिपेयर करना। बाकी दो चार वीडियोज़ मैंने ट्रैकिंग करते हुए बनाई थी, वो भी मैं अपलोड करूँगा, आप उनको भी ज़रूर देखिएगा, ये वाली वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए थी। तो टोटल हम लोगों ने 30 तारीख को हमने अपनी यात्रा शुरू करी थी, 30 को हम सोनप्रयाग पहुँचे, 31 को हम लोग केदारनाथ पहुँचे, 1 तारीख को हमने दर्शन किए, 1 तारीख को हम लोग नीचे पहुँचे दोबारा से गौरीकुंड, गौरीकुंड से सोनप्रयाग, सोनप्रयाग से गुप्तकाशी, फिर गुप्तकाशी में हम लोगों ने काशी विश्वनाथ टेम्पल विज़िट करा, और सीरियसली काशी विश्वनाथ टेम्पल इज़ अ प्लेस दैट हैज़ अ पावर टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। आप उस टेम्पल में ज़रूर जाके विजिट करिएगा, वहाँ कुछ भीड़ भड़ाक नहीं रहता है, मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी है, आप उसको ज़रूर जाके देखिएगा। काशी विश्वनाथ वाला जो टेम्पल है गुप्त काशी के अंदर, वो टेम्पल अगस्त्य मुनि ने कॉन्सेक्रेट किया था, एंड इट इज़ रिवर्बरेटिंग वेरी वेरी इंटेंसली, बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जीज है वहाँ की, आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। वहाँ का मेरा एक्सपीरियंस ये रहा था। उसके बाद जब मैं वहाँ से विजिट करके घर वापस आया, अगले दिन मैं 1 घंटा आग मंदिर के बैठा रहा, मुझे किसी की कोई मतलब बाहर कुछ भी चल रहा है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और वहाँ से बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अपने अंदर फील किया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ टू विजिट केदारनाथ फ्रॉम देहरादून। अगर आप देहरादून में नहीं है तो ऋषिकेश से भी विजिट कर सकते हो। विश्वनाथ सेवा जो है वो बसेस चलती है, उसमें आप ज़रूर जाइए, उसको वाली बसेस को आप प्रेफर कर सकते हो, विश्वनाथ सेवा वाली, वो डायरेक्ट आपको गुप्त काशी ड्रॉप करेंगे, और उनकी पर्टिकुलर टाइमिंग्स होती है, और सबसे बढ़िया बात यह है कि आप उसको ऑनलाइन बुक कर सकते हो, और ज़्यादा भीड़ भड़ाकर नहीं भरते हो गाड़ी में, आपको आपकी सीट कम्फर्टेबल रहेगी, बहुत बढ़िया कम्फर्टेबल सीट्स है, बट प्रिपेयर होके जाना, क्योंकि 8-9 घंटे की जर्नी बस में करना भी कई लोगों के बस की बात नहीं होती है। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर हाउ टू विजिट केदारनाथ फ्रॉम देहरादून और वाइल यू आर इन उत्तराखंड। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, और बाकी वीडियोज़ भी मैं अपलोड करूँगा, उनको भी देखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।